हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी काढ़ा बनाने के लिए। तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है ये, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है और हमें सर्दी जुकाम से बहुत ज़्यादा राहत भी पहुंचाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार अंत तक ज़रूर देखें और इसे ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, दो दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, चार लौंग लिए हैं, दो इलायची लिए हैं छोटी इलायची, आठ दस काली मिर्च लिए हैं, थोड़े से तुलसी के पत्ते लिए हैं, अदरक तेज पत्ते लिए हैं। तेज पत्ते को छोड़कर बाकी सबको हम पहले कूट लेते हैं। एक कप काढ़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो कप पानी लिया है। हम गैस को ऑन कर लेते हैं। पानी में तेज पत्ते को तोड़ कर डाल देते हैं और इसे उबलने देते हैं। अब हम इसमें सारे कूटे हुए मिश्रण को डाल देते हैं और गैस का फ्लेम कम कर देंगे, लो पे रखेंगे इसे, लो फ्लेम पे। इसे 6 से 8 मिनट तक के लिए उबलने के लिए छोड़ देते हैं। अभी काढ़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे छान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काढ़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे पीने से सर्दी जुकाम में बहुत ही राहत मिलती है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।